नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन के साथ, तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके, आपको सूचना मिल सके। आज का विषय दिव्यांगता पेंशन से, यानी अगर कोई कर्मचारी जिसको अपने सरकारी विभाग में जहां वो नौकरी करते हैं परिवार का विवरण देना होता है, और ऐसे में उन्होंने अपने दिव्यांगजन बच्चे के बारे में कोई सूचना नहीं दिया कि हमारा बच्चा दिव्यांग है, फैमिली पेंशन के लिए वो एंटाइटेड रहेगा, ऐसे कोई विवरण नहीं दिए, और दुर्भाग्यवश उनके पिता की या जो नौकरी कर रहे थे उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या ऐसे जो दिव्यांगजन हैं उनको फैमिली पेंशन पाने का हक रहेगा? जी हां, बिल्कुल हक रहेगा। केवल इसलिए कि अपनी सेवा के दौरान उन्होंने विभाग को, अपने कार्यालय को यह नहीं बताया कि उनका बच्चा दिव्यांग है या नहीं है, या उनका स्पाउस दिव्यांग है या नहीं है। मात्र इस कारण से जो दिव्यांगजन परिवार में है उनके फैमिली पेंशन के राइट खत्म नहीं हो जाते, यानी उनकी हकदारी बनी रहती है। अब ऐसे में जो दिव्यांगजन है उनको करना क्या होता है? उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो नियोक्ता प्राधिकारी होते हैं उनके, जो नौकरी कर रहे थे, उनके समक्ष क्लेम करना पड़ता है कि हम दिव्यांग हैं और हमें फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। इसके लिए दो कागज बहुत जरूरी होते हैं। पहला, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर उनमें दिव्यांगता उनके पिताजी के या जैसी भी स्थिति रही हो कर्मचारी के मरने के पहले की है, और वह अस्थायी नेचर की है, या जैसी भी स्थिति हो, तो वह दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। और अगर यह दिव्यांगता जो कंटिन्यूएशन में थी मृत्यु के पश्चात, यानी मृत्यु के पश्चात से, यहां मेरा आशय जो कर्मचारी है उसकी मृत्यु के पश्चात दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनको लेना पड़ेगा और उसको नियोक्ता प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा अपने क्लेम के साथ। लेकिन अगर दिव्यांगता स्थायी प्रकृति की है, परमानेंट नेचर की है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं जो नौकरी कर रहे थे उनके जीवन काल में ही यह अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, तो दूसरा दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वही जो पहले वाला अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वह मान्य रहेगा। तो इसके साथ जो एफिडेविट्स हैं और डिपार्टमेंट उसे जो मांगता है उनके आवेदन के साथ, और नियोक्ता प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि हां इनका क्लेम जेन्यून है, और जो और क्राइटेरिया है, इनकम क्राइटेरिया है, उसे वही आड़े आती है, उनके पुत्र है या नहीं है, संबंध प्रमाण पत्र भी लग सकता है, इसके लिए परिवार रजिस्टर कॉपी लग सकती है, आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्य दस्तावेज भी इसके लिए आप बनवा के दाखिल कर सकते हैं। तो ऐसे सभी प्रपत्रों को जब आप प्रस्तुत करेंगे और नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि नहीं केस जेन्युइन है और ये इंटाइटल्ड है, तो आपको फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। और इस आधार पर कि आपके जो पिताजी थे या आपके पति थे मृत्यु के पहले सूचना नहीं दे पाए थे, इस कारण फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, तो यह शंका समाप्त हो गई है, निर्मूल हो गई है, सूचना नहीं दिया हुआ है, तो आप आवेदन के जरिए सूचना देकर के, क्लेम कर करके फैमिली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक। अगर आपको लगता है ये जानकारी अच्छी थी और हमें सभी अपने दिव्यांगजन बंधुओं और खासतौर से सरकारी कर्मचारियों के बीच में इसे प्रसारित करना चाहिए, तो कृपया अपने तक इसको सीमित ना रखें, सब तक इसको पहुंचाएं। इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।